पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की चपेट में आने वाले लोगों के परिवार को 2.5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर हुगली के श्रीरामपुर में जान गंवाने वाले परिवार को मुआवजे का चेक सौंपा गया। पश्चिम बंगाल राज्य के शहरी विकास मंत्री फरियाद हाकिम ने मृतक के परिवार को 2.5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जान गंवाने वालों को तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन मृतक के परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह के तूफान की कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। बंगाल ने आयला बुलबुल समेत अन्य तूफान का सामना किया है, लेकिन इतना शक्तिशाली प्रलयकारी तूफान अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। इसकी प्रचंड शक्ति देखकर सभी के मन में भय समा गया। इस तूफान में सरकार की कहीं विफलता नहीं है, सरकार की तरफ से पर्याप्त तैयारियां की गई थी, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी गया था। तूफान ने बंगाल में व्यापक रूप से तबाही मचाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तूफान से अब तक बंगाल में 80 से अधिक जान जा चुकी हैं। कृषि, संचार, यातायात, बिजली, मोबाइल टावर इत्यादि को विशालकाय पेड़ उखड़ कर गिरने से नुकसान पहुंचा है। हमारी पूरी टीम आपदा से लड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। आपातकालीन सेवाओं की बहाली को लेकर नेता, मंत्री, चेयरमैन, पार्षद, पंचायत प्रधान, सदस्य, कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अधिकांश जगहों पर आपातकालीन सेवाओं की बहाली हुई है। कई जगहों पर बिजली संचार सेवाएं अब तक बहाल नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से पेयजल संकट बना हुआ है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्राकृतिक आपदा में प्राण गंवाने वालों के परिवार वालों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतक के परिजनों में से बोस बेड़िया निवासी किरण यादव, मोगरा निवासी पारुल पोदार, श्रीरामपुर निवासी मंटू पाल और प्रदीप पाल को 2.5 लाख रुपए की मुआवजे की राशि का चेक सौंपा गया है। इसके साथ ही मंत्री फरियाद हकीम ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार का हरेक सिपाही पीड़ित परिवार के साथ उनकी हर संभव मदद के लिए आजीवन खड़ा रहेगा। आपको बताते चले कि श्रीरामपुर के दो लोगों की जान बुधवार रात अम्फान तूफान के वक्त बिजली का तार टूटने से उनके संपर्क में आने से हुई थी। मुआवजे के चेक वितरण के दौरान मंत्री फरियाद हकीम के साथ हुगली के DMY रत्नाकर राव, SDM प्रदीप भट्टाचार्य, चंदन नगर पुलिस आयुक्त डॉक्टर हुमायूं कबीर, कृषि विपणन मंत्री तापन दास गुप्ता, गोघाट विधायक मानस मजूमदार, हुगली जिला तृणमूल अध्यक्ष दिलीप यादव मौजूद रहे। हुगली से जय चौधरी की रिपोर्ट। पासे आछी एटार जन्य तादेर काछे आशा एवं ममता बनर्जी तरफ थेके जे राज्य सरकार जे चेक दिएछे सेटा तुले दिलाम। एलाकार जारा आमादेर नेतृत्व आछे तपन दासगुप्त, असीमा पात्र, दिलीप यादव, महबूब रहमान সহ যারা MLA আছেন, কাউন্সিলর, সবাই সেই পরিবারগুলোকে দেখাশোনা করছেন। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি, মাগো তোমাদের তো ছেলেকে বা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না, কিন্তু তোমাদের পাশে আমরা ছেলে হিসেবে থাকব, এইটা জানানোর জন্য এত দূরে দৌড়ে আসা। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ নেই, জল পাচ্ছে না মানুষ, অনেক জায়গায় CSC-র অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ নেই। CSC-র সাথে একটা উচ্চ পর্যায়ে মিটিং এক্ষুনি হয়েছে এবং CSC বলছে আমরা চেষ্টা করছি, যেহেতু ওদের অনেক শ্রমিক চলে গেছে, চেষ্টা করছে ওরা যাতে রেস্টোর করা যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। না না, সেরকম কোথাও হয়নি, কিন্তু ব্যাপারটা একটু ধৈর্য ধরতে হবে, তার কারণ 1.5 মাস লেগেছে উড়িষ্যায়, 7টা দিন সময় দিতে হবে, জানি অনেকের কষ্ট আছে, জল পাচ্ছেন না, অনেক জায়গায় ডিপ টিউবওয়েলে জল পাচ্ছে না। আমি দিলীপ যাদব ছাড়া সব এদের বলেছি, চেয়ারম্যানদের সেইখানে গাড়ি করে করে জলটা পৌঁছানোর, সেইখানে পৌঁছচ্ছে জল, আর কিছু কিছু জায়গা আবার উস্কানিও আছে। আমার কাছে খবর নেই। কালকে যেটা বললাম আজকেও তাই বললাম, কালকের নিয়ে কথা বলা উচিত না, যখন দুজন বড় কথা হয় ছোটদের তার মাঝখানে থাকা উচিত। সব প্রশাসক বসবে, যেরম যেরম শেষ হবে প্রশাসক বসবে, তার কারণ ইলেকশন কমিশন এই সময় নির্বাচন করাতে পারছে না,
যে ইলেকশন কমিশন পারবে সাথে সাথে আমরা নির্বাচনে যাব। এটা এটা কারোর কোনো ফেলিওর নেই, তার কারণ এই ঝড় একটা অ্যাবনর্মাল যেটা 1737 পরে আজকে এলো। অধীর চৌধুরীর পূর্বপুরুষও সেই সময় জন্মায়নি যখন এই ঝড়টা এসেছিল। আমরাও এত বড় ঝড় আসবে এটা আমরাও এক্সপেক্ট করিনি। আইলা বুলবুল আমরা দেখেছি কিন্তু এত বড় ঝড় এক্সপেক্ট করিনি। একটু সময় লাগবে, আমাদের কাউন্সিলররা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং মানুষের পাশে আমরা আছি। দিল্লির থেকে টুইট করে লাভ নেই, মানুষের পাশে তৃণমূল ছিল, আছে, থাকবে মমতা ব্যানার্জির আদর্শ। তিনজন যারা মারা গেছিল তাদের পাশে দাঁড়ানো। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.